पंजाब के पटियाला में सोमवार को एक टू सीटर एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। घटना उस समय की है जब सिविल एविएशन क्लब में एनसीसी के एक कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखाया जा रहा था। हादसे में ग्रुप कमांडर और कैडेट दोनों को चोटें आईं, लेकिन आर्मी अस्पताल में भर्ती करने के दौरान विंग कमांडर ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर की मौत हुई है और ये एयरफोर्स का ही एयरक्राफ्ट है, इसलिए एयरफोर्स ने जांच के आदेश दे भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें कि महिंद्रा कॉलेज में एनसीसी की तीसरी एयर स्क्वाड्रन बटालियन है, जिसके कैडेट्स को यहां सिविल एविएशन क्लब में विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे रिटायर्ड ग्रुप कमांडर गुरप्रीत सिंह चीमा एनसीसी कैडेट विपिन कुमार यादव के साथ सिंगल इंजन वाले विमान को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विमान ने पूरी तरह टेक ऑफ भी नहीं किया था कि ये एविएशन क्लब के तारों में उलझ गया और नीचे गिर गया। हादसे में विंग कमांडर चीमा ने दम तोड़ दिया, जबकि कैडेट यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। चीमा गुरदासपुर जिले के गांव अलोवाल से ताल्लुक रखते हैं, उनके दो बच्चे हैं। हादसे की खबर के बाद गांव में मातम का माहौल है। परिजनों ने बताया कि अंतिम संस्कार गांव अलोवाल में ही किया जाएगा। उनका शव आज गांव पहुंचने की संभावना है। न्यूज़ डेस्क।